कल हम लोगों ने व्हाइल लूप पढ़ ली है, ठीक है। आज हम डू व्हाइल की प्रैक्टिस करते हैं। डू व्हाइल लूप क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है और किस तरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसमें लाइट ऑफ करने की जरूरत है, आ रहा नजर आपको? बस ठीक है, सब भी नजर आ रहे हैं। सारी शार्प मोटर है, एलसीडी है ना, वो तो प्रोजेक्टर है। इतनी भी शार्प नहीं होती। अच्छा अच्छा ये HTML को मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है एक। अच्छा बस HTML को मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। अभी यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट की एक एक्सटर्नल फाइल बनाता हूँ और उसका नाम मैं रखूँगा डू वाइल लूप। और इसमें मैं डू वाइल लूप का सेंटेक्स लिखूँगा और डू वाइल की एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, डू वाइल हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें एग्जीक्यूशन वन टाइम एटलीस्ट हमने चलानी हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक बार कम से कम लूप चले, उसके बाद फिर हमें चेक हो कि कंडीशन चेक हो कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर लूप दोबारा चले, ठीक है। इनमें फर्स्ट टाइम पे लूप चलेगी। फर्स्ट टाइम पे क्या क्या होगा कि फर्स्ट टाइम पे जैसे ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो लूप चलेगी और उसके बाद वो लूप में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर हमें कंडीशन चेक होगी कि कंडीशन चेक होनी है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप दोबारा चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हम डू का कीवर्ड यूज़ करते हैं। डू का कीवर्ड यूज़ करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में हम डू जो वाइल की बॉडी होती है वो डू वाइल की बॉडी होती है वो कर्ली ब्रैकेट में डू के बाद होती है और इसके बाद वाइल की कंडीशन यहाँ पे एंड पे चेक होती है वाइल, और इसमें कंडीशन होती है इस तरह करके। तो ये इसका सिंटैक्स है, यहाँ पे कंडीशन होती है, ठीक है। जो भी कंडीशन होगी वो जब ट्रू होगी तो फिर लूप दोबारा चलेगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे इस लूप ने चलना है लाजमी, ठीक है। लेट्स लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल आई लिया, वाज इक्वल टू मैंने क्या किया इसको 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे ही मेरे ये जो एग्जीक्यूट हुआ कोड, तो उसमें सबसे पहले मैंने वेरिएबल में एक असाइन किया वैल्यू 0, और उसके बाद जैसे ही सेकेंड टाइम पे आएगा डू वाइल की लूप चल रही है और इसमें सबसे पहले लूप चल पड़ेगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। एग्जीक्यूट होते साथ ही मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेता हूँ यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं कर देता हूँ आई, और फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंडीशन में क्या करता हूँ कि आई लेस देन इज इक्वल टू 10, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? सबसे पहले जैसे ही मेरे पास यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होगा तो वेरिएबल में ज़ीरो असाइन हुआ और उसके बाद लूप चलेगी और ज़ीरो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, आई में जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी और फिर आई प्लस प्लस होगा। आई प्लस प्लस क्या होगा, यहाँ पे पहले ज़ीरो है, यहाँ पे वन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाइल लूप चलेगी और व्हाइल लूप की कंडीशन चेक होगी कि आई में जो वैल्यू है वो लेस देन इज इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो फिर जो लूप है दोबारा चलेगी और आई में जो वैल्यू है यानी कि वन हो चुकी है तो वन डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आई प्लस प्लस होगा तो इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होने के बाद फिर लूप की कंडीशन चेक होगी कि आई में जो वैल्यू है वो 10 से अभी भी छोटी है तो वो फिर लूप दोबारा चल पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह ये 10 टाइम चलेगी और 10 टाइम यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करके चेक कर लेता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ डू व्हाइल लूप डॉट HTML और इसको मैं सेव करता हूँ, जो यहाँ पे नाम मैंने रखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ JS के फोल्डर में जाके, डू व्हाइल लूप डॉट JS के नाम से। ठीक है, अब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास 0 से लेकर 10 तक ये वैल्यू डिस्प्ले होंगे। ठीक है, समझ आ गई है।